हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिकेट 24 की स्ट्रीम में। स्टार्ट करेंगे आज का एक और मैच वर्ल्ड कप का। हम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा ये मुकाबला, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा, अहमदाबाद में ये मैच। तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ क्योंकि हम करने जा रहे हैं इस मैच को स्टार्ट। जल्दी टॉस होने वाला है और आपको दिखेंगी कुछ ही समय में दोनों टीम की प्लेइंग 11। भारत की टीम में कोई बदलाव नहीं है, ना ही ऑस्ट्रेलिया की टीम में। यह रहा नरेंद्र मोदी स्टेडियम का खूबसूरत मैदान और भव्य स्वागत होता हुआ आज के मैच का शुभारंभ। क्राउड में पब्लिक आ चुकी है। चलिए, ये रही प्लेइंग 11, कोई बदलाव नहीं है दोनों टीम में। एक तरफ है रोहित शर्मा, दूसरी तरफ है पैट कमिंस। चलिए, ये रही पिच, हल्की ग्रासी ड्राई दिखती हुई है पिच। रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला है, टेल्स लिया यहां पर पैट कमिंस ने और इंडिया ने टॉस जीत लिया है। देखते हैं रोहित शर्मा क्या निर्णय लेते हैं यहां पे। ओके, तो इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। चेस करना चाहेंगे यहां पे, आमंत्रित किया है ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग करने के लिए। भारतीय टीम मैदान पर आती हुई काफी जोश में दिख रही है। फाइनल मुकाबला और ट्रेविस हेड एंड डेविड वार्नर आ रहे हैं मैदान में। चलिए, रोहित शर्मा काफी खुश। जसप्रीत बुमराह है बॉलिंग एंड पे, स्ट्राइक पर है ट्रेविस हेड एंड नॉन स्ट्राइक पर है डेविड वार्नर। पहली बॉल डालेंगे जसप्रीत बुमराह। इस पर सीधे बैट से एक रन की मांग की है, डायरेक्ट थ्रो और पहली बॉल पे मिलेगी विकेट। क्या बात है, पहली ही बॉल पे सफलता मिलती हुई यहां पे भारत को। गोल्डन डक ट्रेविस हेड बिना खाता खोले पवेलियन जाते हुए, रन लेने का प्रयास था और वहां पे बहुत बड़ा झटका, डायरेक्ट थ्रो लगा। और अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं डेविड वार्नर, मिचे मार्थन नॉन स्ट्राइक पर। अब 3 दिन अच्छे व्यूज मिलेंगे। देखते हैं रोहन भैया, वेलकम टू द स्ट्रीम, गुड मॉर्निंग। जाने दिया इस बार डेविड वार्नर ने, कोई रन नहीं। मोहम्मद शामी काफी खुश यहां पे। ट्रेविस हेड तो बॉलर है, हाँ, बॉलिंग अच्छी करते हैं वो। डेविड वार्नर बताते हुए, ट्रेविस हेड का बदला लेगा रे तेरा वार्नर। राउंड द विकेट बॉलिंग करते हुए जसप्रीत बुमराह, डेविड वार्नर को इस ओवर की तीसरी बॉल डालेंगे। बढ़िया शॉट लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। डॉट बॉल यहां पे। हाथ खोलने का ज्यादा मौका देते नहीं है, अच्छी शुरुआत दिलाते आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह अपनी टीम को। इस ओवर की चौथी बॉल और बढ़िया बाउंसर, जाने दिया यहां पर डेविड वार्नर ने। डॉट बॉल, कोई रन नहीं। चलिए, पांचवी बॉल बैक फुट पे खेला जरूर है लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। एक और डॉट बॉल, बढ़िया ओवर जाता हुआ यहां पे जसप्रीत बुमराह का, एक भी रन नहीं दिया है और साथ ही साथ एक रन आउट के रूप में विकेट भी मिली है इस ओवर में भारत को। चलिए, इस ओवर की लास्ट बॉल, एक और डॉट बॉल, मेडन विकेट ओवर खत्म होता हुआ यहां पे जसप्रीत बुमराह का। कोई रन नहीं आया इस ओवर से, बहुत बढ़िया बॉलिंग की है। चलिए, दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए। स्ट्राइक पर है मिचे मार्श, पहली बॉल गैप में खेला है, सिंगल मिलेगा और स्ट्राइक पर आएंगे अब डेविड वार्नर।
चलिए इस बार पीछे फील्डर मौजूद है, एक रन की मांग की है और मिल जाएंगे आसानी से। बढ़िया रनिंग यहां पर और इस सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए डेविड वार्नर। चलिए यहां पर वाइड बॉल मिलेंगी, एक्स्ट्रा रन मिलेगा भारत ऑस्ट्रेलिया को। चलिए इस ओवर की तीसरी बॉल, बैक फुट पे खेला है, बहुत बढ़िया ड्राइव वहां पे, शानदार चौका मिचे मार्श के बैट से, खूबसूरत टाइमिंग, बढ़िया प्लेसमेंट और चौका प्राप्त किया। मिचे मार्श ने पिछली बॉल पे, चलिए इस ओवर की चौथी बॉल सामने है मिचे मार्श, बहुत बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर मौजूद है और बहुत बढ़िया थ्रो, रन लेने का भी मौका नहीं वहां पर। चलिए एक और डॉट बॉल, बहुत बढ़िया ड्राइव, एक और चौका आता हुआ इस ओवर में मिचे मार्श के बैट से, ये ओवर महंगा जाता हुआ मोहम्मद सिराज का, और अगर यहां से अच्छी शुरुआत मिल गई ऑस्ट्रेलिया को तो मुश्किल में पड़ सकती है भारत की टीम। चलिए जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं तो अपना दूसरा ओवर डालेंगे, सामने है डेविड वार्नर और यहां पर बढ़िया डिफेंस, कोई रन नहीं, डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए इस ओवर की। चलिए डॉट बॉल, कोई रन नहीं, चलिए इस ओवर की तीसरी बॉल सामने है डेविड वार्नर, इस बार ऑन साइड में खेला है, हल्के हाथों से सिंगल मिलेगा और अब स्ट्राइक पे आएंगे मिचे मार्श, बहुत बड़ा झटका लगा जरूर है यहां पे ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन अभी भी काफी बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन भारत की बॉलिंग भी उतनी ही बढ़िया। इस ओवर की चौथी बॉल, पुल करने का प्रयास लेकिन संपर्क इतना अच्छा नहीं, कोई रन नहीं। चलिए इस ओवर की पांचवी बॉल, एक ही रन आया है अभी तक इस ओवर में दोस्तों, हवा में खेला है, पीछे फील्डर मौजूद, एक और झटका लगता हुआ यहां पे, जसप्रीत बुमराह को मिली है पहली सफलता मिचे मार्श के रूप में, पॉइंट पे खेलने का प्रयास था लेकिन संपर्क इतना अच्छा नहीं, फील्डर मौजूद वहां पे रविंद्र जडेजा, और कोई गलती नहीं की, एक आसान सा कैच और एक और झटका लगता हुआ यहां पे ऑस्ट्रेलिया को। भारत को मिल चुकी है एक बढ़िया शुरुआत, मिचे मार्श 7 बॉल पे 9 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए, और अब मैदान पे आ रहे हैं स्टीव स्मिथ, अब इन्हीं के ऊपर दारोमदारी रहेगी ऑस्ट्रेलिया टीम की। चलिए इस बार गैप में खेला है शॉट, हालांकि टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं, दूसरे रन की मांग की है और वहां पर 2 रन मिल जाएंगे आसानी से, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहां पर दोनों बैट्समैन के द्वारा, और इस दुक्के के साथ स्टीव स्मिथ ने अपना खाता खोला है। चलो यहां पे डॉट बॉल, कोई रन नहीं, एक और बढ़िया बॉल, चलिए मोहम्मद सिराज आए हैं,
अपना दूसरा ओवर डालने के लिए, और डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए इस ओवर की। इस ओवर की दूसरी बॉल, बढ़िया डिफेंस, कोई रन नहीं। कोशिश करेंगे मोहम्मद सिराज इस ओवर में कमबैक करने की। पिछला ओवर थोड़ा महंगा गया था, 11 रन दिए थे। दूसरे छोर से मोहम्मद जसप्रीत बुमराह बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए। इस बार हाथ खोलने का मौका दिया है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में मारा है ये शॉट। एक और डॉट बॉल, कोई रन नहीं। चलिए इस ओवर की चौथी बॉल, एक रन की मांग की है और सिंगल मिलेगा यहां पर आसानी से डेविड वार्नर को। स्ट्राइक पर आएंगे स्टीव स्मिथ, सामना करेंगे मोहम्मद सिराज का। चलिए पांचवी बॉल, यहां पर डॉट बॉल होगी, कोई रन नहीं। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, क्रिकेट 24 का गेम प्ले है ये दोस्तों, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे, इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहिए, स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। थैंक यू सो मच अरशान भाई। चलिए इस ओवर की तीसरी बॉल, सामने है डेविड वार्नर और यहां पर बढ़िया डिफेंस, कोई रन नहीं। चौका मिला था पिछली बॉल पे, पुल करने का प्रयास था, बाहरी किनारा लगा था, और मोहम्मद सिराज की लास्ट बॉल पे चौका मिला था। यहां पे जसप्रीत बुमराह अपना तीसरा ओवर डालते हुए और डॉट बॉल के साथ शुरुआत करी है इस ओवर की। दूसरी बॉल, बढ़िया डिफेंस, कोई रन नहीं। तीन डॉट बॉल आ चुकी है इस ओवर में। इस ओवर की चौथी बॉल, सामने है डेविड वार्नर, इस बार बढ़िया शॉट, पुल बैक फुट पे सिर्फ पंच किया है, कवर की दिशा में छक्का मिला यहां पे डेविड वार्नर को। व्हाट अ शॉट, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस शॉट की, और डेविड वार्नर ही ऐसा शॉट खेल सकते हैं, रोहित शर्मा समझाते हुए यहां पर जसप्रीत बुमराह को। चलिए इस ओवर की पांचवी बॉल, 6 रन आया था पिछली बॉल पे, इस बार सीधे बैट से खेला है, बहुत खूबसूरत टाइमिंग, बिल्कुल सीधा शॉट, एक और चौका मिलेगा यहां पे। 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में, कोई मौका नहीं वहां पर किसी भी फील्डर के पास। बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए यहां पर डेविड वार्नर, 2 विकेट गवाई जरूर है ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन जब तक डेविड वार्नर है मैदान पे रन आते रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के खाते में। लास्ट बॉल डालेंगे जसप्रीत बुमराह इस ओवर की, और यहां पे डॉट बॉल के साथ समाप्त करते हुए इस ओवर को। 5 ओवर के बाद 29-2 ऑस्ट्रेलिया। चलिए मोहम्मद सिराज पहली बॉल डाली है, कोई रन नहीं इस बॉल पे। इस बार सीधे बैट से खेलने का प्रयास, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर मोहम्मद सिराज की, कोई रन नहीं। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों,
इस बार बाहरी किनारा, एक और झटका लगेगा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को। बहुत बढ़िया कैच वहां पे रोहित शर्मा के द्वारा। स्टीव स्मिथ की बड़ी विकेट मिली है यहाँ पे मोहम्मद सिराज को। ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा और बहुत बढ़िया कैच यहाँ पे रोहित शर्मा के द्वारा स्लिप में। व्हाट अ कैच! छह बॉल पे छह रन बना के पवेलियन जाते हुए स्टीव स्मिथ। अरशान भाई अच्छा सा मैसेज डालो ना, थोड़ा उसमें इमोजी इमोजी डाल के, बहुत सिंपल सा लिख दिया आपने। चलिए मोहम्मद सिराज चौथी बॉल डालेंगे, सामने है लबुशेन और यहाँ पे वाइड बॉल का चौका मिलेगा। बाउंसर करने का प्रयास था, कुछ ज्यादा ही बाउंस मिला इस बॉल पे। एक्स्ट्रा पांच रन मिलते हुए ऑस्ट्रेलिया को। चलिए इस ओवर की चौथी बॉल, सामने है लबुशेन, जाने दिया इस बॉल को। मुश्किल में है ऑस्ट्रेलिया की टीम। एक बार फिर से भारतीय गेंदबाज बढ़िया बॉलिंग करते हुए अच्छी शुरुआत दिलाई है भारत को। चलिए इस बार सीधे बैट से खेला है, लॉन्ग मिड ऑन पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। चलिए इस ओवर की लास्ट बॉल, बहुत बढ़िया ड्राइव लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे। श्रेयस अय्यर मौजूद हैं, ड्राइव लगाई और रोका इस बॉल को, कोई रन नहीं। डॉट बॉल के साथ समाप्त किया इस ओवर को मोहम्मद सिराज ने, एक सफल ओवर खत्म होता हुआ मोहम्मद सिराज के द्वारा। छह ओवर समाप्त, 34-3 है ऑस्ट्रेलिया और दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह कंटिन्यू करेंगे, अपना चौथा ओवर डालेंगे। सामने है डेविड वार्नर। इस ओवर की पहली बॉल और यहां पर डॉट बॉल, कोई रन नहीं। एंड गाइस प्लीज सभी लोग इस स्ट्रीम को लाइक जरूर करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहां पर क्रिकेट 24 का गेम प्ले है दोस्तों, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां पर एक और विकेट गिरेगी, बिना खाता खोले लबुशेन जाएंगे पवेलियन, रन आउट हुए वहां पे। और अब आ रहे हैं मैदान पे ग्लेन मैक्सवेल, सामना करेंगे जसप्रीत बुमराह का। बहुत ही बढ़िया शुरुआत मिल चुकी है भारत को, चार विकेट गिर चुके हैं पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया के। चलिए इस ओवर की दूसरी बॉल, जाने दिया इस बॉल को ग्लेन मैक्सवेल ने। तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी का दोस्तों, जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, स्ट्रीम को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। चलिए इस ओवर की तीसरी बॉल, सामने है ग्लेन मैक्सवेल, यहां पर डॉट बॉल, कोई रन नहीं। चलिए इस ओवर की चौथी बॉल, जाने दिया इस बॉल को। अब देखना यह होगा क्या अंपायर से वाइड बॉल देंगे या नहीं। जी नहीं, फर्स्ट बाउंसर देते हुए अंपायर, बहुत बढ़िया बाउंसर जसप्रीत बुमराह की पिछली बॉल पे, कोई रन नहीं। बहुत बढ़िया ओवर जाता हुआ, चार डॉट बॉल, पांचवी बॉल डालेंगे जसप्रीत बुमराह, सामने है ग्लेन मैक्सवेल। एक बार फिर से बाउंसर पुल किया है ऑन साइड में, पीछे कोई फील्डर नहीं और यहां पर चौका मिलेगा मैक्सवेल को। इस चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए, अपनी पारी की शुरुआत करते हुए ग्लेन मैक्सवेल, बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे, हाथ खोलने का मौका दिया और उसका पूरा फायदा उठाते हुए ग्लेन मैक्सवेल। बहुत बढ़िया बैलेंस वहां पे शॉट खेलते वक्त ग्लेन मैक्सवेल का। चलिए लास्ट बॉल इस ओवर की, सामने है ग्लेन मैक्सवेल, और एक और शॉट बॉल, इस बार जाने दिया।
चलो इसी के साथ ओवर समाप्त। 7 ओवर के बाद 38/4 ऑस्ट्रेलिया, और मोहम्मद सिराज अब अपना चौथा ओवर डालेंगे। राउंड द विकेट आए हैं डेविड वार्नर के लिए। बैकफुट पे खेला है, बढ़िया ड्राइव, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पे, आई थिंक विराट कोहली थे। चलिए इस ओवर की दूसरी बॉल, डेविड वार्नर जो कि बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरे छोर से उनको साथ मिला नहीं है अभी तक। मैक्सवेल को पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी डेविड वार्नर के साथ, और इस पारी को आगे ले जाना होगा ताकि एक बढ़िया सा लक्ष्य, एक चैलेंजिंग स्कोर बना पाए, और फिर डिफेंड करने का प्रयास करें इंडिया के खिलाफ। एक और बढ़िया कवर ड्राइव, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। मोहम्मद सिराज भी पिछले ओवर में विकेट मिली थी, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ और बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहां पे एक बार फिर से कवर ड्राइव लगाई है बैक फुट पे, सीधा फील्डर के हाथ में। एक और डॉट बॉल, 4 डॉट बॉल आ चुकी हैं इस ओवर में अभी तक, कोई रन नहीं। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और एक और सफलता, बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी करते कर रहे थे यहां पर मोहम्मद सिराज, और इस बार थोड़ा सा रूम मिला, पॉइंट पे खेलने का प्रयास था, बाहरी किनारा लगा वहां पे, और गली में फील्डर मौजूद सूर्य कुमार यादव। बहुत बढ़िया कैच, एक हाथ से पकड़ा ड्राइव लगा के, और बहुत बड़ी विकेट यहां पे गिरती हुई डेविड वार्नर। 25 बॉल पर 13 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए, और अब मैदान पे आ रहे हैं जॉस इंग्लिश, सामना करेंगे मोहम्मद सिराज का। क्या शानदार शुरुआत मिली है भारत को, आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है ऑस्ट्रेलिया की। चले यहां पर पुल किया है, सिंगल मिलेगा जॉस इंग्लिश को, खाता खोलेंगे सिंगल के साथ, 1 रन आए, 1 सफल ओवर समाप्त यहां पे मोहम्मद सिराज का। 8 ओवर के बाद 39/5 ऑस्ट्रेलिया। चलिए जसप्रीत बुमराह अपना 5वां ओवर डालेंगे, सामने है जॉस इंग्लिश। और यहां पे डॉट बॉल, कोई रन नहीं। चलिए इस ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ करी है जसप्रीत बुमराह ने, दूसरी बॉल डालेंगे इस ओवर की, सामने है जॉस इंग्लिश। एक बार फिर से शॉर्ट बॉल, जाने दिया यहां पे, कोई रन नहीं। बहुत ही चुस्त और दुरुस्त दिखती हुई भारत की फील्डिंग भी, बॉलिंग भी, और बैटिंग आना तो अभी बाकी है। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहां पर, क्रिकेट 24 का गेम प्ले है दोस्तों। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी का दोस्तों। स्वागत है हमारे चैनल में, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, स्ट्रीम को लाइक करते चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहां पर हाथ खोलने का मौका दिया था, थोड़ा सा रूम मिला था, गैप में खेला ये शॉट, हालांकि टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं, 2 ही रन मिलेंगे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहां पर दोनों बैट्समैन के द्वारा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच जो भी नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आप सभी का। जिन्होंने अभी तक अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों। चलिए यहां पर 1 रन चुराया जॉस इंग्लिश ने, और मैक्सवेल आएंगे अब स्ट्राइक में है, मुश्किल में है ऑस्ट्रेलिया की टीम, चाहेगी यहां से एक बढ़िया पार्टनरशिप बिल्ड करे और इस एक चैलेंजिंग स्कोर की ओर लेकर जाए ताकि उनके बॉलर्स कुछ फाइट कर पाए। जाने दिया इस बॉल को मैक्सवेल ने, जसप्रीत बुमराह बहुत ही उमदा बॉलिंग करते हुए, और ये देखिए हाथ पे बॉल आते ही डायरेक्ट थ्रो मारते हैं, 1 इंच का भी मौका दे नहीं रहे सामने वाली टीम को इंडियन बॉलर्स। चलिए मोहम्मद सिराज 5वां ओवर डालते हुए, सामने है जॉस इंग्लिश, इस बार पुल किया है, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा जॉस इंग्लिश को। चलिए मैक्सवेल आएंगे अब स्ट्राइक पर,
इस ओवर की दूसरी बॉल सामने है ग्लेन मैक्सवेल, हल्के हाथों से खेला है, फाइन लेग पे, पीछे कोई फील्डर नहीं, चौका मिलेगा यहां पर मैक्सवेल को। थोड़ा सा लेग साइड पे थी ये बॉल, सिर्फ दिशा दिखाई और चौका प्राप्त किया यहां पर मैक्सवेल ने। बढ़िया बाउंड्री मैक्सवेल के बैट से। थैंक यू सो मच अर्शान भाई। एंड इस ओवर की तीसरी बॉल यहां पर लेफ्ट किया है मैक्सवेल, संभल कर बल्लेबाजी करते हुए, अच्छी बॉल को पूरा सम्मान देते हुए ग्लेन मैक्सवेल। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहां पे डॉट बॉल, कोई रन नहीं, बहुत बढ़िया बॉलिंग होती हुई ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा। मोहम्मद सिराज के द्वारा, माफ कीजिएगा। चलिए एक और डॉट बॉल, चलिए लास्ट बॉल इस ओवर की। बढ़िया डिफेंस और यहां पर रन आउट का मौका है, लेकिन थोड़ा सा लेट हुए मोहम्मद सिराज, एक रन चुराया वहां पर बल्लेबाजों ने। चलिए इस बार बढ़िया डिफेंस, कोई रन नहीं, जसप्रीत बुमराह को मारना इतना आसान नहीं। चलिए दूसरी बॉल और यहां पर सिंगल मिलेगा ग्लेन मैक्सवेल को। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ यह मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहां पर क्रिकेट 24 का गेम प्ले है दोस्तों। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। चलिए इस ओवर की पांचवी बॉल सामने है जॉस इंग्लिश, जाने दिया यहां पर इंग्लिश ने, कोई रन नहीं, बढ़िया लेफ्ट करते हुए। शुरुआती झटके लग गए हैं यहां पे ऑस्ट्रेलिया को, क्या शानदार गेंदबाजी हुई है आज इंडियन बॉलर्स के द्वारा, एक बार फिर से दिखाते हुए कि क्यों है टॉप क्लास बॉलर जसप्रीत बुमराह। ओ एक बार फिर से लेफ्ट करने का प्रयास, बॉडी पर लगी है बॉल, कोई रन नहीं। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, सभी टॉप क्लास बॉलर्स इस समय इंडियन टीम में मौजूद, और अब बॉलिंग करने के लिए आ चुके हैं मोहम्मद शामी। अपना पहला ओवर डालेंगे, सामने है ग्लेन मैक्सवेल। पिछले मैच में 7 विकेट झटके थे सेमीफाइनल में, और भारत को जीत दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी मोहम्मद शामी ने। ऐसा लग रहा था कि वो सेमीफाइनल नहीं शामी फाइनल है, क्योंकि 7 विकेट लेना इतना आसान नहीं, और नामुमकिन को जो मुमकिन कर दे वो है मोहम्मद शामी। इस ओवर की दूसरी बॉल, शॉर्ट बॉल पुल किया है, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। एक और डॉट बॉल, एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहां पर क्रिकेट 24 का गेम प्ले है ये दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड कप ये धमा चौकड़ी चलती रहेगी। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।
और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली फुर्सत में चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। यहां पर चौका मिलेगा ग्लेन मैक्सवेल को, सिर्फ दिशा दिखाई थी, गैप में खेला था शॉट और चौका प्राप्त किया पिछली बॉल पर ग्लेन मैक्सवेल ने। मोहम्मद शामी पांचवीं बॉल डालेंगे इस ओवर की। एक रन की मांग की है, फील्डर के हाथ में है बॉल, डायरेक्ट थ्रो, लेकिन वहां पे ड्राइव लगाई और रन को कंप्लीट किया ग्लेन मैक्सवेल ने। काफी क्लोज मामला हो सकता था, पर बढ़िया रनिंग वहां पे, सिंगल चुराया। और अब स्ट्राइक पे आएंगे जॉस इंग्लिश, लास्ट बॉल, इस बार बढ़िया डिफेंस, डॉट बॉल के साथ खत्म किया इस ओवर को। 5 रन आए इस ओवर से 12 ओवर के बाद, 56/5 ऑस्ट्रेलिया। ओहो, कुलदीप यादव को लाया गया है 13वां ओवर डलवाने के लिए। सामने है ग्लेन मैक्सवेल, कुलदीप यादव अपना पहला ओवर डालेंगे। काफी लेट खेला यहां पर मैक्सवेल ने, कोई रन नहीं। बहुत बढ़िया शुरुआत करते हुए कुलदीप यादव, पूरे वर्ल्ड कप काफी बढ़िया बॉलिंग करी है कुलदीप यादव ने। चलिए इस ओवर की दूसरी बॉल, जाने दिया यहां पे, कोई रन नहीं। चलिए इस ओवर की तीसरी बॉल, सामने है ग्लेन मैक्सवेल, सीधे बैट से खेला है एक और डॉट बॉल। 3 डॉट बॉल आ चुके हैं इस ओवर में अभी तक, कोई रन नहीं। चलिए चौथी बॉल, सामने है ग्लेन मैक्सवेल, बैक फुट पे खेला है, हवा में है बॉल, लेकिन नो मैन्स लैंड में गिरी है। कोई नुकसान नहीं वहां पर मैक्सवेल को, और यहां पर एटलीस्ट सिंगल निकाल के स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। 4 डॉट बॉल आ चुकी हैं, बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे कुलदीप यादव। 5वीं डॉट बॉल, बहुत बढ़िया बॉलिंग होती हुई, पहले फास्ट बॉल, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और अब कुलदीप यादव भी अपना कमाल दिखाते हुए। चलिए यहां पर एक रन चुराया, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे मैक्सवेल। 13 ओवर के बाद 57/5 ऑस्ट्रेलिया। दूसरे छोड़ते मोहम्मद शामी कंटिन्यू करते हुए अपना दूसरा ओवर डालेंगे। सामने है ग्लेन मैक्सवेल, पहली बॉल, बहुत बढ़िया बॉल, यॉर्क डालने का प्रयास था, ड्राइव लगाई वहां पे मैक्सवेल ने, लेकिन बैट के निचले हिस्से पर लगी, इतना बढ़िया संपर्क हुआ नहीं, कोई रन नहीं। चलिए इस ओवर की दूसरी बॉल, सामने है ग्लेन मैक्सवेल, एक और बढ़िया बॉल, और यहां पे डायरेक्ट थ्रो, एक और झटका लगा है, ग्लेन मैक्सवेल भी रन आउट हो चुके हैं। इतना दबाव बना दिया था डॉट बॉल का, एक रन चुराने के प्रयास में एक और विकेट गिरा दी है ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने, और यहां पे विराट कोहली थे, डायरेक्ट थ्रो, मैक्सवेल की बड़ी विकेट मिली है, क्योंकि अगर ये सेट हो जाते तो काफी आगे लेकर जा सकते थे इस पारी को, पर यहां से भारत का काम आसान होता हुआ, एक और झटका, 27 बॉल पे 17 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए ग्लेन मैक्सवेल, बहुत बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया को। और अब मिचेल स्टार्क आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, सामना करेंगे मोहम्मद शामी का। चलिए इस ओवर की तीसरी बॉल, यहां पर डॉट बॉल, कोई रन नहीं, काफी रन आउट हुए आज ऑस्ट्रेलियन पारी के पारी में। चलिए चौथी बॉल, बढ़िया डिफेंस, कोई रन नहीं। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले में, इस गेम प्ले के साथ फटाफट जुड़ जाइए दोस्तों। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहाँ पर, क्रिकेट 24 का गेम प्ले है दोस्तों। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी का दोस्तों, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, स्ट्रीम को भी लाइक करिए। चलिए कुलदीप यादव आए हैं दूसरे छोर से, कंटिन्यू करेंगे अपना दूसरा ओवर, डालेंगे सामने मिचेल स्टार्क और यहां पर डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए इस ओवर की भी। पिछले ओवर में मात्र एक रन दिया था कुलदीप यादव ने। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है ये मैच। चलिए डॉट बॉल, कोई रन नहीं, बहुत ही ज्यादा कसी हुई गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव यहां पर, पूरा स्टेडियम चमाचम भरा हुआ। तीसरी बॉल और यहां पर डॉट बॉल, कोई रन नहीं। चलिए इस ओवर की चौथी बॉल डालेंगे सामने है मिचेल स्टार्क। इस बार हल्के हाथों से खेला है ऑन साइड में और सिंगल मिलेगा यहां पर मिचेल स्टार्क को और स्ट्राइक पे आएंगे जॉस इंग्लिश। गंभीर है मामला यहां पे, बहुत ही बढ़िया शुरुआत मिली है भारत को, 6 विकेट गवा चुकी है ऑस्ट्रेलिया, मुश्किल में है यहां पे। और इस बार अपील की है लेकिन सुरक्षित है बल्लेबाज, आई थिंक वहां पर एज लगा है, मना किया अंपायर ने और बिल्कुल सही निर्णय। एक ही रन आया है अभी तक इस ओवर में। इस ओवर की लास्ट बॉल डालेंगे कुलदीप यादव, सामने है जॉस इंग्लिश, ऑन साइड पे खेला है हल्के हाथों से, सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास 15 ओवर के बाद 59/6 ऑस्ट्रेलिया। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ यह मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहां पर, क्रिकेट 24 का गेम प्ले है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड कप ये धमा चौकड़ी चलती रहेगी, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी का मित्रों और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इस ओवर की दूसरी बॉल, सामने है जॉस इंग्लिश, ओहो हो बहुत बढ़िया बॉल, बीट हुए हैं वहां पर जॉस इंग्लिश और रिएक्शन देख सकते हैं आप यहां पर सभी का, श्रेया शैयर। चलिए इस ओवर की तीसरी बॉल, सामने है जॉस इंग्लिश, बढ़िया डिफेंस, कोई रन नहीं, बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे यहां पर इंडियन बॉलर्स, काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सभी बॉलर्स यहां पर भारत के और मोहम्मद शामी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। चलिए एक और डॉट बॉल, कोई रन नहीं, इक्कीस बॉल पे 7 रन बनाकर खेलते हुए जॉस इंग्लिश काफी संभल कर खेल रहे हैं यहां पे। पांचवी बॉल और डॉट बॉल, कोई रन नहीं, एक और डॉट बॉल। चलिए लास्ट बॉल डालेंगे, क्या ये मेडन ओवर होगा, ऑन साइड में खेला है और चौका मिलेगा यहां पर डीप मिड विकेट पे जॉस इंग्लिश को, इस बार थोड़ा सा लाइन लेग के साइड गई, पहले ही पढ़ लिया था इंग्लिश ने, यहां पे अंदर की ओर का बॉल है, जगह बनाई और बढ़िया शॉट खेला, चौके के साथ इस ओवर को खत्म किया है जॉस इंग्लिश ने। कुलदीप यादव दूसरे छोर से कंटिन्यू करेंगे अपना तीसरा ओवर, डालेंगे सामने मिचेल स्टार्क, इस बार हल्के हाथों से, कोई रन नहीं। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ यह मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहां पर, क्रिकेट 24 का पीसी गेम प्ले है ये दोस्तों, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों।
स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए सिंगल मिलेगा यहाँ पर और अब स्ट्राइक पे आएंगे जॉस इंग्लिश, सामना करेंगे कुलदीप यादव का। इस ओवर की चौथी बॉल, ओहो, बहुत बढ़िया डिलीवरी यहाँ पे, कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल का, बीट हुए हैं जॉस इंग्लिश, बिल्कुल भी नहीं पढ़ नहीं पाए पिछली बॉल को। इस बार हवा में है बॉल, गैप में खेला है ये शॉट और यहां पर चौका मिलेगा। पिछले ओवर की लास्ट बॉल पे भी चौका आया था और अब थोड़ा हाथ खोलते हुए जॉस इंग्लिश अपना प्रेशर रिलीज शॉट खेलते हुए यहां पे, क्योंकि काफी देर से काफी डॉट बॉल खेल चुके थे। चलिए लास्ट बॉल हल्के हाथों से खेला है, फील्डर मौजूद वहां पे, कोई रन नहीं। 17 ओवर के बाद 68/6 ऑस्ट्रेलिया। और अब रविंद्र जडेजा को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, अपना पहला ओवर डालेंगे। सामने है मिचेल स्टार्क, पहली बॉल और यहां पे डॉट बॉल, कोई रन नहीं। ऑन साइड पर खेलने का प्रयास था लेकिन बीट हुए बल्लेबाज। एक और डॉट बॉल, कोई रन नहीं। रविंद्र जडेजा विकेट निकालने में माहिर है, राउंड द विकेट आ चुके हैं मिचेल स्टार्क के लिए। इस ओवर की तीसरी बॉल डालेंगे, बहुत बढ़िया बॉल, बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे वहां पर मिचेल स्टार्क को। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहाँ पर क्रिकेट 24 का गेम प्ले दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड कप ये धमाचौकड़े चलती ही रहेगी। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों आप सभी का। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ये शॉट गैप में है, पीछे फील्डर मौजूद, सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास मिचेल स्टार्क। 18 ओवर के बाद 69/6 ऑस्ट्रेलिया। चलिए कुलदीप यादव आए हैं, चौथा ओवर डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे दूसरे छोर से। चलिए डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए इस ओवर की कुलदीप यादव, That's great fielding. That ball was flying. Didn't hit that well. Very late playing that shot. चलिए इस ओवर की तीसरी बॉल, सामने है मिचेल स्टार्क। इस बार हल्के हाथों से खेला है, ऑन साइड में सिंगल मिलेगा और अब स्ट्राइक पे आएंगे जॉस इंग्लिश। चौथी बॉल और जाने दिया इस बॉल को जॉस इंग्लिश ने, कोई रन नहीं। श्रेयस अय्यर उत्साह बढ़ाते हुए अपनी टीम का, अपने बॉलर्स का। चलिए इस ओवर की पांचवी बॉल, सामने है जॉस इंग्लिश। ये बॉल काफी बाहर फेंकी है और वाइड बॉल होगी, एक्स्ट्रा रन मिलेगा यहां पर ऑस्ट्रेलिया को। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। Maybe they didn't pick that up. Very late on the shot. चलिए कुलदीप यादव लास्ट बॉल डालेंगे इस ओवर की, ऑन साइड पे खेला है, सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास जॉस इंग्लिश। 19 ओवर के बाद 72/6 ऑस्ट्रेलिया।
एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहाँ पर क्रिकेट 24 का गेम प्ले है दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड कप ये धमाचौकड़ी चलती रहेगी। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, स्ट्रीम को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अरे बहुत बढ़िया ओवर जाता हुआ रविंद्र जडेजा का, डॉट पे डॉट बॉल आ रही है। इस ओवर की चौथी बॉल सामने है जॉस इंग्लिश, एक और डॉट बॉल, कोई रन नहीं। क्या ये ओवर भी मैडन ओवर होगा? पांचवी बॉल, पिछले ओवर में मात्र एक रन दिए थे, इस बार ऑन साइड में खेला है, सिंगल मिलेगा यहां पे, और अब स्ट्राइक पे आएंगे मिचेल स्टार्क। रन रेट काफी डाउन है यहां पर ऑस्ट्रेलिया का, विकेट्स भी गिर चुकी हैं, मुश्किल में है टीम। देखना काफी दिलचस्प होगा कैसे आगे बढ़ेगी यहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम। इस ओवर की लास्ट बॉल और ये वाइड बॉल होगी, एक्स्ट्रा रन मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को, थोड़ी बाहर फेंकी रविंद्र जडेजा ने ये बॉल। चलिए यहां पर सिंगल मिलेगा, एक रन चुराया। मोहम्मद शामी को वापस बुलाया गया है, अपने दूसरा स्पेल डालेंगे, चौथा ओवर है उनका। सामने है मिचेल स्टार्क, 20 ओवर के बाद 75/6 है ऑस्ट्रेलिया। इस ओवर की पहली बॉल ऑन साइड पे खेला है, चलिए एक रन चुराया यहां पर मिचेल स्टार्क ने, और अब स्ट्राइक पर आएंगे जॉस इंग्लिश। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहां पर क्रिकेट 24 का गेम प्ले है दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड कप ये धमाचौकड़ी चलती रहेगी। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, स्ट्रीम को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। यहां पर एक और विकेट गिर गई है ऑस्ट्रेलिया की, एक और झटका लगता हुआ रन आउट के रूप में, फिर से जॉस इंग्लिश यहां पर रन लेना चाहते थे, सिंगल चुराना चाहते थे। एक और डायरेक्ट थ्रो रोहित शर्मा के द्वारा इस बार, और पवेलियन जा चुके हैं जॉस इंग्लिश, और अब कप्तान पैट कमिंस आ रहे हैं मैदान पे, सामना करेंगे मोहम्मद शामी का। 76 रन पे 7 विकेट गिर चुकी है ऑस्ट्रेलिया की, मुश्किल में है ऑस्ट्रेलिया। इस ओवर की तीसरी बॉल और यहां पर फिर से एक रन की मांग, डायरेक्ट थ्रो होना चाहिए लेकिन नहीं, पहुंच गए हैं यहां पर आसानी से बल्लेबाज, सिंगल मिलेगा। चलिए इस ओवर की चौथी बॉल, भारत चाहेगी 100 रन के अंदर समेट दे ऑस्ट्रेलिया को, और यहां पे रन नहीं लिया है पैट कमिंस ने, मना किया रन लेने से। चलिए इस ओवर की पांचवी बॉल सामने है पैट कमिंस, मुश्किल में है ऑस्ट्रेलिया की टीम। बहुत बढ़िया बॉल, मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग सूर्य कुमार यादव की, कोई रन नहीं। चलिए लास्ट बॉल, इस ओवर की एक ही रन आया है, माफ कीजिएगा 2 ही रन आए हैं अभी तक इस ओवर में, और एक सफलता भी मिली है रन आउट के रूप में, और बहुत बढ़िया फील्डिंग पॉइंट पे तैयार थे वहां पे श्रेयस अय्यर, बहुत बढ़िया फील्डिंग, कोई रन नहीं। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ यह मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहां पर क्रिकेट 24 का गेम प्ले है ये दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड कप ये धमाचौकड़ी चलती रहेगी। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में,
इसी तरह स्ट्रीम को सपोर्ट करते रहें, लाइक करते चले और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। रविंद्र जडेजा राउंड द विकेट, तीसरी बॉल डालेंगे इस ओवर के सामने। पैट कमिंस कदमों का इस्तेमाल, हवा में है बॉल, वन बाउंस वहां पे, बच गए पैट कमिंस। संपर्क हुआ नहीं था इतना बढ़िया और उसका फायदा हुआ उन्हें। चलिए इस ओवर की चौथी बॉल सामने है, मिचेल स्टार्क इस बार बैक फुट पे खेला है, कोई रन नहीं। इस ओवर की पांचवी बॉल सामने है, मिचेल स्टार्क, बहुत बढ़िया बॉल, ड्राइव लगाना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल का, हवा नहीं लगी वहां पे, मिचेल स्टार्क को पढ़ ही नहीं पाए, बीट होते हुए। बहुत बढ़िया ओवर जा रहा है रविंद्र जडेजा का, एक बार फिर से लास्ट बॉल इस ओवर की, विकेट की तलाश में है भारत, जल्द से जल्द चाहेगी ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करे। बाईस ओवर के बाद 79 पर 7 है ऑस्ट्रेलिया और मोहम्मद शामी आए हैं अपना पांचवां ओवर डालने के लिए। सामने है कप्तान ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, इस बार बढ़िया ड्राइव लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, एक रन चुराया और अब स्ट्राइक पे आएंगे मिचेल स्टार्क। मोहम्मद शामी जो कि विकेट निकालने में माहिर हैं, अभी तक विकेट मिली नहीं है उन्हें। इस ओवर की दूसरी बॉल, चलिए ऑन साइड पर खेला है, गैप में है ये शॉट, बढ़िया टाइमिंग और चौका मिलेगा यहां पर, पहला चौका आता हुआ मिचेल स्टार्क के बैट से, क्या बात है। बहुत बड़ा गैप था वहां पे, सिर्फ दिशा दिखाई और चौका प्राप्त किया। और देखिए अब मिड विकेट पे फील्डर आ चुके हैं। चलिए इस ओवर की तीसरी बॉल, यहां पर सीधे बैट से खेला है और एक रन चुराया, बहुत बढ़िया रनिंग। इस ओवर की चौथी बॉल और यहां पे बढ़िया फील्डिंग, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। चलिए मोहम्मद शामी अपनी पांचवी बॉल डालेंगे, सामने है पैट कमिंस। इस बार उठा के मारा है, पीछे फील्डर मौजूद और बढ़िया कैच वहां पे, एक पहली सफलता मिलती हुई मोहम्मद शामी को, कप्तान पैट कमिंस की विकेट मिली है। बैटिंग करने में माहिर है पैट कमिंस, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, संपर्क हुआ नहीं इतना बढ़िया, बैट के निचले हिस्से में लगी है ये बॉल और बॉल गई सीधा वहां पर फील्डर के हाथ पे। और जसप्रीत बुमराह ने कोई गलती नहीं करी, एक आसान था कैच, 7 बॉल पे 2 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए पैट कमिंस। और अब मैदान पे आ रहे हैं एडम जंपा, बिखर चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पे, ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग लाइनअप खत्म हो चुका है और बॉलर्स आ चुके हैं। चलिए इस ओवर की लास्ट बॉल, बैक फुट पे खेला है, कोई रन नहीं। इसी के साथ एक सफल ओवर समाप्त यहां पर मोहम्मद शामी का, 23 ओवर के बाद 85 पर 8 ऑस्ट्रेलिया। यहां पर अपील की है, थर्ड अंपायर को रेफर किया है, क्या एक और विकेट मिलेगी? जी हां, मिचेल स्टार्क झुक गए वहां पे और सोच रहे थे कि बॉल उनके बॉडी से ना टकराए, लेकिन शायद उनको अंदाजा नहीं था कि वो क्रीज के अंदर नहीं है। और एक और झटका लगता हुआ यहां पर ऑस्ट्रेलिया को, मिचेल स्टार्क 27 बॉल पर 13 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए। और अब जॉस हेजलवुड आ रहे हैं मैदान पे और यहां से साफ जाहिर होता हुआ कि ये टीम अब 100 रन के अंदर निपट सकती है। चलिए रविंद्र जडेजा इस ओवर की दूसरी बॉल डालेंगे, सामने है जॉस हेजलवुड, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। इस ओवर की तीसरी बॉल सामने है जॉस हेजलवुड, जाने दिया इस बॉल को, कोई रन नहीं।
एंड गाइस प्लीज सभी लोग इस स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहां पर क्रिकेट 24 का गेम प्ले है ये दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड कप ये धमा चौकड़ी चलती रहेगी। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों आप सभी का, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, स्ट्रीम को लाइक करते चलिए, और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें दोस्तों। चलिए 24 ओवर के बाद 86/9 है ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, मोहम्मद शामी अपना छठा ओवर डालेंगे, सामने है एडम जैम्पा और इस बार गैप में खेला है शॉट, सिंगल मिलेगा और अब स्ट्राइक पर आएंगे जॉस हेजलवुड, सामना करेंगे मोहम्मद शामी का। चलिए इस ओवर की दूसरी बॉल, ओहो हो बहुत बढ़िया डिलीवरी थी ये, कोई रन नहीं, बीट हुए वहां पर जॉस हेजलवुड। एक बार फिर से बीट हुए हैं यहां पर बल्लेबाज, कोई रन नहीं, चलिए चौथी बॉल, डिफेंस करने का प्रयास, हवा में थी बॉल लेकिन कोई रन नहीं, सुरक्षित है बल्लेबाज वहां पे। इस ओवर की पांचवी बॉल और बहुत बढ़िया डिफेंस यहां पर हेजलवुड के द्वारा, मोहम्मद शामी बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका दे नहीं रहे बल्लेबाजों को। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहां पर क्रिकेट 24 का गेम प्ले है ये दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड कप ये धमा चौकड़ी चलती रहेगी। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, स्ट्रीम को लाइक करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए रवीन जडेजा इस ओवर की दूसरी बॉल डालेंगे, सामने है एडम जैम्पा, बैक फुट पे खेला है, कोई रन नहीं, इस ओवर की तीसरी बॉल, सामने है एडम जैम्पा, जाने दिया इस बॉल को, मुश्किल में है ऑस्ट्रेलिया की टीम, 9 विकेट गंवा चुकी है इस मुकाबले में। क्या शानदार प्रदर्शन रहा है भारत का बॉलिंग एंड फील्डिंग दोनों में, क्योंकि काफी रन आउट हुए हैं, जब जब सिंगल चुराने का प्रयास किया ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन ने डायरेक्ट थ्रो लगा और विकेट गंवाई वहां पे। चलिए इस ओवर की पांचवी बॉल, और यहां पे लास्ट विकेट भी गिरती हुई, इस बार अंदर की ओर आई बॉल, ड्राइव लगाने का प्रयास इनसाइड एज, और बहुत बढ़िया कैच वहां पर केएल राहुल का, और इसी के साथ लास्ट विकेट भी गिर चुकी है ऑस्ट्रेलिया की, ऑल आउट हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया यहां पे मात्र 87 रन पे, 87 रन पे, और ये रिकॉर्ड बन चुका है बड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया 87 रन पे ऑल आउट हुई, 25.5 ओवर ही खेल पाई है, और क्या शानदार प्रदर्शन रहा है भारत का, 88 रन का टारगेट है, एक आसान सा लक्ष्य, और देखते हैं भारत कितनी जल्दी अचीव करता है इसे। रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल मैदान पर आते हुए, सामना करेंगे मिचेल स्टार्क का। चलिए बॉलिंग इन पे है मिचेल स्टार्क, स्ट्राइक पर है रोहित शर्मा, नॉन स्ट्राइक पर है शुभमन गिल, पहली बॉल और वाइड बॉल के साथ शुरुआत करते हुए एक्स्ट्रा रन मिलेगा भारत को यहाँ पे। चलिए तो पहली बॉल वापस डालनी होगी यहां पर मिचेल स्टार्क को,
और शॉर्ट बॉल जाने दिया यहाँ पे, शायद ये एक और वाइड बॉल हो सकती है। जी हाँ, बैक टू बैक वाइड बॉल डालते हुए यहाँ पर मिचेल स्टार्क, एक और एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ भारत को। चलिए इस ओवर की पहली बॉल एक बार फिर से, और यहाँ पे डॉट बॉल, कोई रन नहीं। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहाँ पर। क्रिकेट 24 का गेम प्ले है ये दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड कप ये धमाचौकड़ी चलती रहेगी, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे, तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, स्ट्रीम को लाइक करते चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। टॉस जीतकर भारत ने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया था, आमंत्रित किया था यहां पर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने का, और क्या शानदार प्रदर्शन रहा है भारतीय गेंदबाजों का, भारतीय फील्डर्स का। 87 रन पे रोका है ऑस्ट्रेलिया को, एक आसान सा लक्ष्य है। चलिए देखना काफी दिलचस्प होगा, भारतीय टीम कितना जल्दी से अचीव करती है, या अभी कोई संघर्ष बाकी है इस मैच में। इस बार बढ़िया ड्राइव लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, एक और डॉट बॉल, कोई रन नहीं। दो रन मिले थे वाइड से, उसके बाद सारी डॉट बॉल आती हुई, पांच डॉट बॉल लगातार। लास्ट बॉल इस ओवर की सामने है, रोहित शर्मा हल्के हाथों से खेला है, फाइन लेग में सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। इस ओवर से आए तीन रन एक ओवर के बाद, 3-0 भारत। चलिए जॉस हेजलवुड आए हैं दूसरे छोर से, अपना पहला ओवर डालेंगे, सामने है हिटमैन रोहित शर्मा, पहली बॉल, और ये शॉर्ट गैप में खेला है, चौका मिलेगा यहां पे, हाथ खोलने का मौका दिया यहां पर जॉस हेजलवुड ने, और उसका पूरा फायदा उठाते हुए रोहित शर्मा, बेहतरीन चौका उनके बैट से। बहुत बड़ा गैप था वहां पे, और इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ करते हुए रोहित शर्मा। चलिए दूसरी बॉल डालेंगे हेजलवुड, इस बार ऑन साइड में खेला है, पीछे फील्डर मौजूद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा, और स्ट्राइक पर आएंगे आप, शुभमन गिल सामना करेंगे जॉस हेजलवुड का। चलिए इस ओवर की तीसरी बॉल सामने है, शुभमन गिल पहली बॉल फेस करेंगे इस मैच की, शुभमन गिल ड्राइव बढ़िया है लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं, बढ़िया फील्डिंग वहां पे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ इस मैच में। इस ओवर की चौथी बॉल, जाने दिया इस बॉल को शुभमन गिल ने, कोई रन नहीं। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहाँ पर। क्रिकेट 24 का गेम प्ले है ये दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड कप ये धमाचौकड़ी चलती ही रहेगी, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों आप सभी का। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे, इसी तरह स्ट्रीम को लाइक करते चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिचेल स्टार्क आए हैं, अपना दूसरा ओवर डालेंगे, सामने है रोहित शर्मा, इस बार पुल किया है बाहरी किनारा, और चौका मिलेगा यहां पे रोहित शर्मा को, शॉर्ट बॉल पे पुल अच्छा खेलते हैं, पर इस बार एक्स्ट्रा बाउंस मिला, बाहरी किनारा लगा, और बॉल गई है विकेट कीपर के ऊपर से सीधा 4 रनों के लिए विकेट के पीछे, और इस ओवर की शुरुआत चौके के साथ होती हुई। चलिए इस ओवर की दूसरी बॉल, डॉट बॉल, कोई रन नहीं। चलिए इस ओवर की तीसरी बॉल, सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं, एक और डॉट बॉल,
through the shot too early. चलिए मिचेल स्टार्क चौथी बॉल डालेंगे. सामने है हिटमैन रोहित शर्मा. हल्के हाथों से खेला है, ऑन साइड में सिंगल मिलेगा और अब स्ट्राइक पे आएंगे शुभमन गिल. सामना करेंगे मिचेल स्टार्क का. बॉलिंग बहुत बढ़िया हो रही है यहाँ पर, लेकिन टारगेट बहुत छोटा है तो दबाव होगा नहीं भारतीय बल्लेबाजों पर. इस ओवर की पांचवी बॉल, डॉट बॉल, कोई रन नहीं. अभी तक खाता खुला नहीं है शुभमन गिल का और देखना काफी दिलचस्प होगा किस तरीके से खुलेंगे, क्योंकि पांच डॉट बॉल खेल चुके हैं शुभमन गिल और क्या खाता बाउंड्री से खुलेगा या सिंगल के साथ. इस ओवर की लास्ट बॉल और बहुत बड़ी वाइड स्लिप के फील्डर ने पकड़ी है ये बॉल. एक्स्ट्रा रन मिलेगा यहां पर भारत को और ये खेल हेलो शिवंश भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम, कैसे हो आप ब्रदर. और यहां पर चौका मिला है इस ओवर की लास्ट बॉल पे शुभमन गिल को. सिर्फ दिशा दिखाई ऑन साइड पे, पीछे कोई फील्डर नहीं और फील्डर से दूर पैट कमिंस थे वहां पर, लेकिन खराब फील्डिंग. चौका मिला और इस चौके के साथ अपना खाता खोला है शुभमन गिल ने. तीन ओवर समाप्त, 18-0 है भारत. जॉस हेजलवुड दूसरे छोर से कंटिन्यू करेंगे. सामने है रोहित शर्मा और यहां पे डॉट बॉल, कोई रन नहीं. एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों. फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहां पर क्रिकेट 24 का गेम प्ले है दोस्तों और पूरे वर्ल्ड कप ये धमाचौकड़ी चलती रहेगी. इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों. और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद है आप सभी का. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे. इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए, स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले. पिछली बॉल पे थर्ड मैन की दिशा में चौका मिला था रोहित शर्मा को, सिर्फ दिशा दिखाई थी और चौका प्राप्त किया था. यहां पर बढ़िया डिफेंस करते हुए कोई रन नहीं. 15 बॉल पे 15 रन बनाकर खेल रहे हैं हिटमैन रोहित शर्मा. जॉस हेजलवुड इस ओवर की चौथी बॉल डालेंगे. इस बार बैक फुट पे खेला है एक और डॉट बॉल, कोई रन नहीं. चलिए इस ओवर की पांचवी बॉल, बाहरी किनारा, एक और चौका मिलेगा यहां पर रोहित शर्मा को. भाग्यशाली रहे यहां पे, बाहरी किनारा जरूर लगा था, स्लिप में कोई फील्डर नहीं और यह बहुत खराब रणनीति है ऑस्ट्रेलिया की. नई बॉल से जब बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं आपने स्लिप नहीं रखा है वहां पे. और एक और चौका मिलता हुआ इस ओवर का दूसरा चौका रोहित शर्मा के बैट से. 8 रन आ चुके हैं इस ओवर में. लास्ट बॉल एक बार फिर से उसी दिशा में एक और चौका. चौका खाने के बाद भी स्लिप में फील्डर लगाया नहीं पैड का मिस ने और बैक टू बैक बाउंड्री आती हुई उसी दिशा में. एक बार फिर से भाग्यशाली रहे रोहित शर्मा, 12 रन आए इस ओवर से. इसी के साथ ओवर समाप्त, 4 ओवर के बाद 30-0 है भारत का स्कोर. दूसरे छोर से मिचेल स्टार्क कंटिन्यू करते हुए अपना तीसरा ओवर डालेंगे. सामने है शुभमन गिल, पहली बॉल शॉर्ट बॉल, जाने दिया इस बॉल को शुभमन गिल ने. फर्स्ट बाउंसर देते हुए अंपायर. चलिए इस ओवर की दूसरी बॉल, सामने है शुभमन गिल, ऑन साइड पे खेला है और मिड विकेट पे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं. बहुत बढ़िया फील्डिंग और ये ओवर थ्रो. मैं फील्डिंग की तारीफ कर ही रहा था लेकिन आप रिएक्शन देख सकते हैं यहां पर मिचेल स्टार्क का, कितने नाखुश है वो. कोई जरूरत नहीं थी इस थ्रो की, ओवर थ्रो वहां पे और एक्स्ट्रा 4 रन मिलते हुए भारत को. आज किसी भी फील्ड में अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं है ऑस्ट्रेलिया का. इस बार सीधे बैट से खेला है, 1 रन की मांग. डायरेक्ट थ्रो होता तो वहां पर विकेट मिल सकती थी लेकिन डायरेक्ट थ्रो लगा नहीं.
आसानी से पहुंच गए। शुभमन गिल सिंगल मिला उन्हें और अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं हिटमैन रोहित शर्मा, सामना करेंगे मिचेल स्टार्क का। एक बार फिर से अंदरूनी किनारा और इस बार चौका मिलेगा, कोई मौका नहीं वहां पर विकेट कीपर के पास और रोहित शर्मा के बैट से एक बार फिर से अंदरूनी किनारा और बॉल गई है सीधा चार रनों के लिए। एक और चौका मिलता हुआ, काफी भाग्यशाली रहे हैं रोहित शर्मा आज। पिछले ओवर में दो बॉल स्लिप में छूटी और चौका गई, मतलब स्लिप में फील्डर नहीं थे। ओहो व्हाट अ डिलीवरी, इतनी अच्छी बॉल पे भी चौका मिलता हुआ रोहित शर्मा को, क्या बताएं। डिफेंस करना चाहते थे, इतनी बढ़िया बॉल अंदर की ओर आई, अंदरूनी किनारा, एक और चौका, बैक टू बैक बाउंड्री उसी दिशा में आती हुई और एक बार फिर से कोई मौका नहीं था वहां पर विकेट कीपर के पास। महंगा ओवर में चले स्टार का, इतनी अच्छी बॉलिंग करने के बाद भी 13 रन आ चुके हैं इस ओवर में और यहां पर एक रन की मांग, डायरेक्ट थ्रो और शायद यहां पर विकेट मिलेगी, देखना काफी दिलचस्प होगा। जी हाँ, ऐसा प्रतीत होता हुआ कि पीछे रह गए हैं, देखते हैं अंपायर क्या निर्णय लेते हैं। और यहां पर अंपायर ने आउट करार दिया है 21 बॉल पर 31 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए रोहित शर्मा। और अब मैदान पे आ रहे हैं किंग कोहली, द चेज मास्टर विराट कोहली, सामना करेंगे जॉस हेजलवुड का। तीसरा ओवर डालेंगे हेजलवुड अपना, सामने है विराट कोहली। ओहो, लेफ्ट करने का प्रयास था, बॉडी पर लगी बॉल और एक रन चुरा लिया है विकेट के बीच में। काफी अच्छी रनिंग करते हैं विराट कोहली, लेग बाई का रन मिलेगा यहाँ पे। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहाँ पर, क्रिकेट 24 का गेम प्ले है ये दोस्तों और पूरे वर्ल्ड कप ये धमा चौकड़ी चलती रहेगी, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में, इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बार पुल किया है और सिंगल नहीं लिया यहाँ पे विराट कोहली ने, आई थिंक जी हाँ। चलिए पांचवी बॉल, एक और डॉट बॉल, कोई रन नहीं, बढ़िया ओवर गया अभी तक हेजलवुड का, बैट से कोई रन आया नहीं है। चलिए लास्ट बॉल इस ओवर की, पुल किया है, पीछे फील्डर मौजूद, वन बाउंस, बढ़िया फील्डिंग, सिंगल मिलेगा, स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। सिंगल, इस सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हुए विराट कोहली 6 ओवर के बाद 44 पर 1 भारत। और दूसरे छोर से मिचेल स्टार्क कंटिन्यू करेंगे अपना, चौथा ओवर डालेंगे, सामने है विराट कोहली, बहुत बढ़िया शॉट, पुल किया है, एक बार फिर से फील्डर मौजूद है, सिंगल ही मिलेगा, गैप को नहीं ढूंढ पाए विराट कोहली, दोनों शॉट बहुत बढ़िया खेला था। और अब शुभमन गिल है स्ट्राइक पे, सामना करेंगे मिचेल स्टार्क का। इस ओवर की दूसरी बॉल, सीधे बैट से खेला है और मना किया यहां पे रन लेने से, बिल्कुल सही निर्णय। चलिए इस ओवर की तीसरी बॉल और यहां पर एक रन की मांग की है और एक रन मिल जाएगा आसानी से, बहुत बढ़िया रनिंग, एक रन चुराया वहां पे शुभमन गिल ने। इस ओवर की चौथी बॉल, इस बार पुल किया है, पीछे फील्डर मौजूद और बॉल गई है सीधा उनके हाथों में और बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर भारत को, पहली सफलता मिली है मिचेल स्टार्क को यहां पे, वो भी विराट कोहली के रूप में, दूसरी विकेट गिरी है भारत की। अभी अभी आए थे विराट कोहली 8 बॉल पर 2 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए और अब मैदान पे आ रहे हैं श्रेया शैयर, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, बहुत बढ़िया फॉर्म में है, सामना करेंगे मिचेल स्टार्क का। हेलो शकील भाई, चलिए यहां पर डॉट बॉल, कोई रन नहीं,
Right on the money there, making it difficult to get away. लास्ट बॉल डालेंगे इस ओवर के स्टार्क सामने है श्रेया शैयर गैप में खेलने का प्रयास था संपर्क हुआ नहीं इतना बढ़िया सिंगल मिलेगा इस सिंगल के साथ खाता खोलते हुए श्रेया शैयर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास सात ओवर के बाद 47 पर दो है भारत और यहाँ पे एक और चौका मिलता हुआ श्रेया शैयर को बाई का चौका मिला है माफ कीजिएगा साथ ही साथ फर्स्ट बाउंसर भी दी है अंपायर ने एक और फ्री का चौका मिलता हुआ भारत को 51 पे पहुंच चुका है भारत का स्कोर इस ओवर की दूसरी बॉल फुल किया है और यहाँ पर सिंगल मिलेगा श्रेया शैयर को चलिए सिंगल मिला पिछली बॉल पे स्ट्राइक पे आ चुके हैं अब श्रेया शैयर एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ यह मुकाबला वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहाँ पर क्रिकेट 24 का गेम प्ले है दोस्तों और पूरे वर्ल्ड कप ये धमाचौकड़ी चलती रहेगी इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बार बढ़िया ड्राइव गैप में खेला है शॉट और यहाँ पर चौका मिलेगा श्रेया शैयर को खूबसूरत टाइमिंग बहुत बढ़िया प्लेसमेंट वहां पर गैप में खेला ये शॉट और बहुत बढ़िया चौका श्रेया शैयर के बैट से बहुत बढ़िया फॉर्म में है व्हाट अ शॉट क्या बात है चलिए इस ओवर की लास्ट बॉल सामने है श्रेया शैयर 11 रन आ चुके हैं इस ओवर में इस बार पुल किया है पीछे फील्डर मौजूद सिंगल मिलेगा चलिए स्ट्राइक रखेंगे अपने पास श्रेया शैयर 8 ओवर के बाद 58 पर 2 है भारत का स्कोर मिचेल स्टार्क 5वां ओवर डालेंगे सीधे बैट से खेला है और एक रन चुराया यहां पर अय्यर ने और अब स्ट्राइक पर आएंगे शुभमन गिल Probably deserve more from it. चलिए इस ओवर की दूसरी बॉल एक बार फिर से एक रन की मांग की है और बढ़िया ड्राइव लगाई वहां पर शुभमन गिल ने और इस रन को कंप्लीट किया है चलिए इस ओवर की तीसरी बॉल अय्यर आ चुके हैं अब स्ट्राइक पर बिल्कुल सीधा शॉट खूबसूरत टाइमिंग एक और चौका श्रेया शैयर के बैट से क्या शानदार स्टेट ड्राइव थी ये बहुत बढ़िया शॉट चलिए इस ओवर की चौथी बॉल सामने है श्रेया शैयर एक बार फिर से बढ़िया ड्राइव गैप में खेला है हालांकि इस बार टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं बढ़िया फील्डिंग करी है वहां पर 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए उसके बावजूद 2 रन जरूर मिलेंगे यहां पे श्रेया शैयर को चलिए इस ओवर की 5वीं बॉल और यहां पर एक रन की मांग की है ये लो अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो काफी क्लोज होता ये मामला लेकिन पहुंच गए वहां पर आसानी से एक और रन चुराया 9 रन आ चुके हैं इस ओवर में बढ़िया ओवर भारत के लिए अभी तक लास्ट बॉल सामने है शुभमन गिल हल्के हाथों से खेला है ऑन साइड में सिंगल मिलेगा जी नहीं रन लेने से मना किया वहां पे
तो चलिए 9 रन आए इस ओवर से, 9 ओवर के बाद 67 पर 2 भारत। चलिए पैट कमिंस दूसरा ओवर डालेंगे सामने है श्रेयस अय्यर, बैक फुट पे खेला है ये शॉट और यहां पर विकेट मिलेगी, यहां पर विकेट मिलेगी रन आउट के रूप में। श्रेयस अय्यर अपनी विकेट गवा चुके हैं भाई साहब। 12 बॉल पे 15 रन बनाकर पवेलियन जाते हुए और अब मैदान पे आ रहे हैं कमाल लाजवाब क्लासिकल राहुल, सामना करेंगे पैट कमिंस का। फिलहाल स्ट्राइक पर है शुभमन गिल, 3 विकेट जरूर गवा दी है भारत ने लेकिन लक्ष्य के पास पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट। चलिए जाने दिया इस बॉल को, कोई रन नहीं। इस बार बाहरी किनारा, पीछे फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पे। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहाँ पर क्रिकेट 24 का गेम प्ले है दोस्तों और पूरे वर्ल्ड कप ये धमा चौकड़ी चलती रहेगी, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, स्ट्रीम को लाइक करते चलिए और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट बॉल और यहां पे डॉट बॉल, कोई रन नहीं, बढ़िया ओवर समाप्त हुआ पैट कमिंस का, 10 ओवर के बाद 67 पर 3 भारत। और अब एडम जैम्पा को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए, स्ट्राइक पर है केएल राहुल, पहली बॉल बैक फुट पे, बढ़िया डिफेंस, कोई रन नहीं। चलिए इस ओवर की दूसरी बॉल, एक और यहां पर सिंगल मिलेगा, हल्के हाथों से ऑन ड्राइव लगाई और एक रन बटोरा इस सिंगल के साथ अपनी पारी की शुरुआत करते हुए केएल राहुल। और अब स्ट्राइक पर है शुभमन गिल, 19 बॉल पे 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। इस ओवर की तीसरी बॉल, हल्के हाथों से खेला है, एक रन की मांग और सिंगल मिलेगा यहां पर आसानी से, क्या बात है, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स दोनों बैट्समैन के द्वारा। 69 पे पहुंच चुका है भारत का स्कोर, चौथी बॉल, बढ़िया डिफेंस केएल राहुल का, कोई रन नहीं। 19 रन और चाहिए यहां से जीत के लिए पर ऑस्ट्रेलिया पूरा दमखम लगाती हुई यहां पे शॉर्ट बॉल डाली है, हल्के हाथों से खेला बैक फुट पे ये शॉट और सिंगल बटोरा यहां पे केएल राहुल ने, बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाती हुई भारत यहां पे। एंड गाइस प्लीज सभी लोग स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, फटाफट जुड़ जाइए इस गेम प्ले के साथ। भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच होता हुआ ये मुकाबला, वर्ल्ड कप का एक और मैच लाइव स्ट्रीम करते हुए हम यहां पर, क्रिकेट 24 का गेम प्ले है दोस्तों और पूरे वर्ल्ड कप ये धमा चौकड़ी चलती रहेगी, इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। और जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर ले और जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तहे दिल से धन्यवाद है दोस्तों। और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में, इसी तरह सपोर्ट दिखाते रहिए, स्ट्रीम को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इस ओवर की तीसरी बॉल, सामने है शुभमन गिल, बढ़िया ड्राइव यहां पर, सिंगल मिलेगा और अब स्ट्राइक पे आएंगे कमाल लाजवाब राहुल, सामना करेंगे पैट कमिंस का।
deserve more. चलिए पैट कमिंस पांचवी बॉल डालेंगे इस ओवर की। सामने है केएल राहुल और ये बहुत बढ़िया ड्राइव है, खूबसूरत टाइमिंग, बढ़िया प्लेसमेंट, गैप में धकेला इस बॉल को और चौका प्राप्त करेंगे यहां पर केएल राहुल। ना खुश यहां पर पैट कमिंस, जानते हैं बॉलिंग में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन बहुत बढ़िया शॉट यहां पर, बहुत बढ़िया कवर ड्राइव, फ्रंट फुट पे खेला है ये शॉट केएल राहुल ने और चौका प्राप्त किया। चलिए लास्ट बॉल और यहां पर डॉट बॉल, कोई रन नहीं। चलिए यहां पर डॉट बॉल, कोई रन नहीं। इस ओवर की तीसरी बॉल एडम जैम्पा, बहुत बढ़िया गेंदबाज है ऑस्ट्रेलिया के लिए। इस बार बैक फुट पे उठा के मारा है, बढ़िया पंच वहां पे शुभमन गिल के बैट से और लॉन्ग ऑन पे शानदार छक्का। कोई मौका नहीं वहां पर किसी भी फील्डर के पास, क्योंकि बॉल गई है डायरेक्ट सीमा रेखा पार। व्हाट अ शॉट, ये कुछ अतरंगी शॉट खेला था यहां पर शुभमन गिल ने और छक्का बटोरा, 113 मीटर का लंबा छक्का पिछली बॉल पे, और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया और उसके बाद डिफेंस किया, थोड़ा सा लाइन और लेंथ को बदला यहां पर एडम जैम्पा ने और सम्मान देते हुए शुभमन गिल। इस ओवर की पांचवी बॉल और यहां पे डॉट बॉल, कोई रन नहीं। बहुत बढ़िया बॉल थी ये। चलिए लास्ट बॉल इस ओवर की, एक बार फिर से उठा के मारा है, इस बार लॉन्ग ऑफ पे बढ़िया शॉट और एक और छक्का, दो छक्के आए इस ओवर से और इसी के साथ भारत ने ये मैच अपने नाम कर लिया है। सात विकेट से भारत ये मैच जीत चुकी है, एक तरफा मुकाबला, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था भारत ने और यहां पे ऑस्ट्रेलिया की इनिंग को समेट दिया है 87 रन पे। एक आसान सा लक्ष्य था, 3 विकेट के नुकसान पे ये टारगेट अचीव किया और 7 विकेट से ये जीत अपने नाम की ऑस्ट्रेलिया ने। बहुत बढ़िया मैच हुआ ये दोस्तों। और मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच दिया गया, जिन्होंने 21 बॉल पर 31 रन की पारी खेली है। और ग्लेन मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन, मैक्सवेल एंड जॉस एग्लिस ने 17-17 रन बनाए। शुभमन गिल ने नाबाद 26 रन की पारी खेली और इस मैच को फिनिश किया, जिनका साथ निभाया केएल राहुल ने नाबाद 7 रन बना के। श्रेयस अय्यर का भी योगदान रहा, 15 रन बनाए उन्होंने। विकेट की बात की जाए तो मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिली सबसे ज्यादा भारत के लिए, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह को 1-1 विकेट मिली और ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क को 1 सफलता हासिल हुई, 2 विकेट रन आउट के रूप में गिरी भारत की। एंड गाइस इसी के साथ ये मैच होता है समाप्त। स्ट्रीम को लाइक जरूर करें और चैनल को, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच का था ये मुकाबला जो कि समाप्त हो चुका है। थैंक यू सो मच दोस्तों।